क्वेश्चन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है बेटा। जैसा कि हम लोग पार्ट थ्री में पढ़ चुके हैं, 1.2 एक्सरसाइज हो गया था, एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का पढ़ रहे हैं हमें, चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें की क्वेश्चन दिया है बेटा, पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एसे, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है। मतलब ये जो फ्रैक्शन पार्ट में है इसको डेसिमल पार्ट फॉर्म में करना है और उसको क्या बोलेंगे यही बताना है। तो हम लोग पढ़े थे अभी फर्स्ट वाला, देखते हैं बेटा क्या करेंगे। इसको जो ऊपर वाला है उसको यहाँ पे रख लेंगे और ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करना इसमें, तो क्या इसमें जीरो टाइम्स नहीं जाएगा, इसमें कितना बढ़ जाएगा जीरो टाइम। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट कर लेंगे और ये जीरो हम लिख सकते हैं। अब कितना हो गया 360 हो गया, तो कितना टाइम जाएगा ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये जीरो के सामने लिखेंगे 3, ये हो गया आपका 300। क्या हो जाएगा बेटा ये 60 आ जाएगा। एक और जीरो हम लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट ले चुके हैं, कितना हो जाएगा ये 6, ये कितना हो जाएगा 600। क्या हो गया जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है ये टर्मिनेटिंग है, लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सेकेंड वाला देखेंगे क्या, सेकेंड क्या है 1 है, ऊपर वाला यहां लिखेंगे और जिसे डिवाइड करना है यहां लिखेंगे, इसमें नहीं जाएगा क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट, ये पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा, एक जीरो लिखेंगे यहाँ पे, इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा इसका मतलब जीरो टाइम्स जाएगा। एक और जीरो लिखेंगे कितना हो जाएगा 11 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, फिर आपका क्या हो जाएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो जीरो लिखना है ना, तो एक जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा, कितना टाइम्स जाएगा ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, तो ये 99 हो जाएगा, कितना आएगा आपका 1 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा फिर 00, तो फिर जीरो लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा 9। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे बार बार रिपीट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09, ये क्या हो रहा है इसी पे ये रिपीट हो रहा है 0.9, ये हो जाएगा 0.09 क्या इसे, इसको रिपीटिंग बोला जाता है या रेकरिंग बोला जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, रिपीटिंग या इसको क्या बोलेंगे रेकरिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। उसी तरह से इसको भी कर लेंगे क्या हो जाएगा ये 4 8 4 32 आई कितना हो जाएगा 33 अपॉन 8 हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, ये ऊपर वाला यहाँ रख लेंगे और 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें नहीं जा रहा है फर्स्ट वाले डिजिट में, कितना हो जाएगा 0 टाइम, इसमें भी जीरो टाइम, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका सॉरी इसमें यहाँ जाएगा कितना टाइम जाएगा 8 4 32, ये हो जाएगा 1, ये वहां पे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ जीरो लिख सकते हैं, कितना बार जाएगा 1 टाइम्स, कितना हो जाएगा ये 8, यहाँ आ जाएगा 2 आपका 0, कितना टाइम जाएगा ये 8 2 16, ये हो जाएगा 4, 0 आ जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट ले लिया है, कितना टाइम जाएगा ये 5 टाइम्स, तो क्या हो गया ये 40 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो 0 आ गया तो क्या हो गया 1, 0 आ गया तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आप कर लेंगे, ठीक बेटा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, इस पे बार है मतलब इसका रिपीटिंग है, कितना का ये 6 डिजिट जो है पॉइंट के बाद इसका रिपीटिंग है, फिर वही आएगा बार बार ये आएगा, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, इसके आधार पे हम लोग इसका क्या कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन,
बिना लॉन्ग डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से विदाउट डिवीजन किए क्या हम लोग लिख सकते हैं इसके बेस पे, तो कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया आपका 1/7 इक्वल टू 0.142857, इस पर क्या बेटा बार है 1.7 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 2/7 है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 2/7 को हम लिखेंगे 2 ऐसे कर लेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, ये हो गया बेटा 2 और इसके 1/7 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 0.142857, इस पर क्या है बार है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 = 4 कैरी 1 आ जाएगा 2/5 = 10 2/5 = 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/8 = 16 = 17 कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पे 2/2 = 4/1 = 5 2/4 = 8 2/1 = 2 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 कर लेंगे इसको, ये हो गया आपका 2/7 का। ऐसे ही क्या करेंगे हम 3/7 का कर लेंगे, तो इसको कैसे करेंगे 3 और इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/7, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 3 हो जाएगा अब 1/7 की जगह पे क्या हो जाएगा 0.142857, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3/7 = 21 कैरी 2 हो जाएगा ये 3/5 = 15 और ये 17 का 7 कैरी 1 हो जाएगा 3/8 = 24 = 15 यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा 3/2 = 6 = 2 8 हो जाएगा 3/4 = 12 12 का 2 हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा 3/1 = 3 = 1 ये बेटा ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5/7 को लिख सकते हैं 6/7 को लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग कर ले बेटा ठीक है। अब देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 ये दिया है आपका, ये रिपीटिंग है 0.6 बार दिया है, ये 0.47 पे बार है, यहाँ पे क्या है 0.001 पे बार है मतलब तीनों पे, अगर एक पर बार रहेगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 1 पर बार रहेगा 1 डिजिट पे तो उसको 10 से, अगर 3 पर रहेगा तो 1000 ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट का देखते हैं बेटा सॉल्यूशन, इसको कर लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा x इक्वल टू 0.666 ऐसे है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे इसमें 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हो जाएगा 6.666 ऐसे ही हो जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन। क्या करेंगे बेटा ये इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा सेकेंड लिख लेते हैं पहले 10x = 6.666 ऐसे ही कर लेंगे, और ये क्या है x x इक्वेशन फर्स्ट है ये क्या है 0.666 ऐसे ही है, तो ये सारा क्या हो जाएगा ये पॉइंट है, इसके इधर वाले क्या है 6 में से 6 है 0 यहाँ भी 6 में से 6 0 0 सब 0 0 ही याद करना, यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 6 ये 9x है 9x में से 1x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 10x में से 1x माइनस होगा तो 9x हो जाएगा, x इक्वल टू 6/9 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 3 होगा तो 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2/3 तो क्या हो गया आपका x को रेशनल फॉर्म में लिख लिया हम 2/3
इसी तरह से एक ये सेकंड वाला देखेंगे, इसको आप देख सकते हैं बेटा। इस मेथड को समझिए, अपने कीजिए, अगर नहीं होगा तो वीडियो तो रहेगा ही। देखिए आपका सेकंड नंबर है बेटा, सेकंड नंबर क्या है, लेट करेंगे इसको, लेट एक्स इक्वल टू 0.47 पे, मतलब क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू 0.4777 केवल 7 रिपीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, बताए थे वो अगर 1 डिजिट पे अगर बार रहेगा तो उसमें 10 से, अगर 2 पे रहेगा 3 पे रहेगा, 2 पर रहेगा तो 100 से, 3 पर रहेगा तो 1000 से, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन फर्स्ट बोथ। टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.7, ऐसी हो जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला लिख देते हैं 10x इक्वल टू 4.77, ऐसे रिपीटेड है, और ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.4777 ऐसे रिपीटेड है, तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये वाला रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, आगे 10x में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 4.3, इसको यहां कर लेते हैं, 9x इक्वल टू 4.3 है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.3 डिवाइडेड बाय 9, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 43 अपॉन, ये हो गया आपका, ये p बाई q के फॉर्म में कर लिए।